For more such an updates, click the red button and hit the bell icon to never miss any video from HSB News. महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली में नक्सलियों ने माइन ब्लास्ट करके पुलिस के वाहनों को उड़ा दिया। नक्सलियों द्वारा अंजाम दिए गए इस विस्फोट में 15 जवान शहीद हो गए। पुलिस की टीम प्राइवेट गाड़ी से पेट्रोलिंग पर जा रही थी। बताया जा रहा है कि विस्फोट की जगह पर पुलिस और नक्सलियों के बीच एनकाउंटर भी हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नक्सलियों ने QRT की टीम को निशाना बनाया है। इस गाड़ी में कुल 16 लोग सवार थे। इससे पहले बुधवार को ही गढ़चिरौली के उपजिला कुरखेड़ा में बुधवार को नक्सलियों ने निजी ठेकेदारों के कम से कम 3 दर्जन वाहनों में आग लगा दी। यह घटना सुबह उस वक्त घटी जब राज्य का स्थापना दिवस महाराष्ट्र दिवस मनाने की तैयारी की जा रही थी। इधर नक्सली पिछले साल 22 अप्रैल के दिन सुरक्षा बलों द्वारा मारे गए अपने 40 साथियों की मौत की पहली बरसी मनाने के लिए एक सप्ताह से चल रहे विरोध के प्रदर्शन के अंतिम चरण में थे।